Tornado. नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने बार्ड नेचर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट दिखाऊंगा कि लव बर्ड का नेक्स्टिल मटेरियल आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से नेक्स्टिल मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो लव बर्ड का जो नेटिंग सीजन है वो तो बहुत दिन पहले आ चुका है, लेकिन दोस्तों मुझे बहुत सारे लोग कॉमेंट कर रहा था तो मैं तब एक वीडियो बना के रखा था लेकिन अपलोड नहीं किया था, तो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोग कंप्लीट देखिए कैसे आप लोग नेक्स्टिल मटेरियल जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं बहुत ही सस्ते में। क्योंकि अगर आप दूसरा कोई नेक्स्टिल मटेरियल आप यूज़ करना चाहते हैं तब दोस्तों आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा लग सकता है। तो मैं आज चीपेस्ट जो प्राइस में आप कैसे नेक्स्टिल मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं वही बताऊँगा। तो दोस्तों, ये जो बक्सा आप देख पा रहे होंगे, ये बक्सा मैंने अपने हाथ से मैंने खुद बनाया है और मैं लकड़ी का काम करता हूं तो इसलिए मुझे जो लकड़ी है वो फ्री में मिल गया था। तो मैंने वो ला के वो अपने से काट के उसके बाद दोस्तों ये जो है नेक्स्टिल मटेरियल मैं बना ये जो बक्सा मैंने बना दिया। और लव बर्ड का प्राइस जो है वो अभी डाउन हो चुका है, तो जब डाउन हो रहा था तब दोस्तों मैंने जो है वो सारा लव बर्ड बेच दिया था। तो कुछ ही मेरा 10-12 लव बर्ड अभी पड़ा हुआ है, तो उनके लिए ही मतलब अभी जो है वो बक्सा जो है वो लगा रहा हूँ। तो देखिए आप लोग के कैसे जो बक्सा है वो लगाया जाता है। तो ये देखिए, ये जो मैं छेद कर रहा हूँ बक्सा में, ये दोस्तों एयर पास होने के लिए है, क्योंकि चारों तरफ से अगर बक्सा घिरा रहेगा तो जो बर्ड होगा तो बर्ड का जो है वो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, इसलिए मैंने चारों तरफ इसका जो छेद कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें एयर ठीक ठाक से अप डाउन होगा। तो इसके बाद दोस्तों ये है झाड़ू। तो झाड़ू से मैं जो है वो इसका जो नेक्स्टिल मटेरियल है वो बना रहा हूँ। तो झाड़ू दोस्तों आपको 20-25 रुपए में मिल जाएगा। तो आपके पास जितना भी बक्सा है या जितना भी बर्ड है उसके हिसाब से आप झाड़ू खरीद लेना। तो मैं एवरेज बता रहा हूँ, मतलब एक झाड़ू से आपको 3-4 बक्सा जो है वो आपका कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले करना क्या है, ये झाड़ू लेना है और आप कोई भी काटर से या कैची से आप काट सकते हैं, तो 2-3 इंच से इंच करके मतलब ये जो झाड़ू है वो काट लेना है। तो इसके बाद दोस्तों जो बॉक्स है, बॉक्स को आपको क्लीन करना पड़ेगा। तो क्लीन करने के लिए मैंने जो है वो इसमें आग जला दूंगा, क्योंकि आग में जो है वो इसके अंदर जो कीटाणु वगैरह है वो सब मर जाएगा। और उसके बाद दोस्तों इसका जो है कीटाणुनाशक जो पाउडर होता है वो पाउडर मैं इसको अंदर ये दे दूंगा। Thank you.
तो अब जो झाड़ू मैं पहले से काट के रखा था वही इसका बॉक्स के अंदर मैं डाल दूंगा। और डालने से पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि झाड़ू का जो झाड़ू डालने से पहले आपको जो कीटाणुनाशक जो पाउडर होता है वो पहले से आपको अच्छे से दे देना है, क्योंकि जो बर्ड का जो अंडे से बच्चा हैचिंग होगा तो बर्ड का जो बच्चा है वो जो पॉटी करेगा तो उस पॉटी से बहुत ज़्यादा कीटाणु वगैरह होगा या जो कीड़ा वगैरह होगा। तो अगर आप कीटाणुनाशक पाउडर पहले से डाल लेते हो तो दोस्तों आपको जो है वो कीटाणु नहीं होगा, वो कीड़ा नहीं होगा, तो आपका बर्ड अच्छा रहेगा। नहीं तो वो ही कीड़ा आपको जो बर्ड का वो बर्ड के लिए समस्या हो सकता है या बर्ड का जो बच्चा है उसको भी मार सकता है। तो पहले जो है आप वो जो कीटाणुनाशक जो पाउडर होगा वो अच्छे से डाल लीजिएगा, उसके बाद आपको ये जो झाड़ू है वो अच्छे से बिछा देना है। तो अभी मैंने जो है पूरा सब बॉक्स में अच्छे से वो पाउडर डाल के वो झाड़ू दे दिया। तो इसके बाद एक एक करके ये जो बक्सा है मैं जो अपना सेटअप है वो सेटअप में लगा दूंगा। तो ये देखिए मैंने जो है पूरा सेटअप में अपना जो बॉक्स है वो बॉक्स लगा दिया। और जितना भी बर्ड होगा आपका सेटअप में उससे अगर आप लोग एक साथ रख रहे हो या आपका कोई कॉलोनी में रख रहे हो तो दोस्तों आपको जितना भी बर्ड होगा उससे दो तीन बक्से आपको ज़्यादा देना है। और अगर सेपरेट केज में रख रहे हो तो दोस्तों सेपरेट केज में आपको एक ही देना है, ठीक है। तो इस तरह से देने के बाद आपका जो बर्ड है वो बर्ड बहुत ही जल्दी अपना जो बक्सा है वो बक्सा पहचान लेगा और उसके अंदर आता जाता रहेगा। और वो जो आपने झाड़ू दिया है वो अपनी तरह से वो नेस्टिंग कर लेगा, उसके बाद आपका जो बर्ड है वो अंडा ले करेगा। और अंडा ले करने के मतलब 26 से 27 दिन बाद आपका जो अंडे से मतलब बर्ड का अंडे से बच्चा निकल आएगा। और बच्चा जब आएगा दोस्तों तब आपको बहुत सारा सॉफ्ट फूड खिलाना है। तो पहले से आप बॉक्स लगाने से पहले ही आपको जो है सॉफ्ट फूड आपको देना है। सॉफ्ट फूड देने से क्या होगा, बर्ड का जो बच्चा होगा बर्ड का बच्चा एक भी नष्ट खराब नहीं होगा। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखा दिया कि किस तरह से आपको जो लबर्ड है लबर्ड का जो नेस्टिंग आप कर सकते हैं। तो इसके बाद बहुत सारा दोस्त मुझे कमेंट करेगा कि झाड़ू के अलावा हम लोग और भी कुछ दे सकते हैं, तो ज़रूर दे सकते हो। जैसे जो है वो काट का छिलका ये आप दे सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप जो पाट होता है या जूट जिसको बोलते हैं तो जूट आप दे सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। तो ये दोस्तों कम कीमत में आपको मैंने दिखा दिया, तो ये आप यूज़ करें तो आपका जो बच्चा है वो बच्चा सही से आएगा। अगर आप बॉक्स नहीं, अगर आप कोई मटका यूज़ कर रहे हो तो मटके में भी आप ऐसा सेम चीज़ अप करके और उसके बाद वो जो झाड़ू है झाड़ू काट के आप मटके में दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना और दोस्तों के पास भी शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं तो उनको भी पता चल जाएगा और वो भी वो लबर्ड से बच्चा ले सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।